अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हियर वी हैव एक्सरसाइज नंबर 12.2। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12 का ए पार्ट है आपके सामने। आपसे कहा जा रहा है कि स्टेटमेंट आपके पास है रैंडम सैंपल्स ऑफ 16 वैल्यूज, मतलब एन आपके पास कितना गिवन है 16। उसके बाद कहा जा रहा है नॉर्मल पॉपुलेशन मीन इज 41.5 आपके पास जो है वो क्या गिवन है जी, मीन। उसके बाद कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन को हम कैसे लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, और साथ सम भी है, ठीक है। तो वो कहते हैं इसकी वैल्यू आपके पास है 135। नेक्स्ट आपसे कह रहा है शो द 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द मीन 39.9 एंड 43.1 इंचेस। मतलब आपने दो जो है वो मीन फाइंड करने हैं और दोनों मीन्स को आपस में जो है वो कंप्यूट करना है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि आपने फॉर्मूला यूज़ कौन सा करना है। तो मेन फॉर्मूला आपके पास ये यूज़ होना है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन रिक्वायर्ड है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्यों, क्योंकि आपके पास जो है वो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मीन। मीन आपके पास गिवन है क्वेश्चन में कितना है जी, 41.5। नेक्स्ट आपको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पर नीचे। टी अल्फा ओवर 2 सब पावर वी। अब टी क्या है, एज इट इज़। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा होता है 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को शो करता है किसी भी चीज़ के। तो 1 माइनस कितने परसेंट उसने दिया आपके पास क्वेश्चन में, 1 माइनस 95% जी। 1 माइनस 95 करेंगे तो आपके पास 5% बचेगा, ठीक है। 5 को डिवाइड कर दें 100 से, तो 0.05 आपके पास अल्फ़ा आ गया। साथ ही देखिए यहाँ पे वी नज़र आ रहा है आपको। वी किसको कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम को। और ये कैसे निकलता है, एन माइनस वन। एन क्वेश्चन में गिवन है 16, 16 माइनस वन आपके पास 15 जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई है। अब सिंपली आपने क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू लिखें 0.05 डिवाइड बाय 2 और साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले आप इन दोनों को कंप्यूट कर लेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 0.05 2 से डिवाइड करें और 15 के साथ जो उसकी टेबल वैल्यू चेक कर लें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.131, ठीक है। इस वैल्यू को लाके अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। मीन आपके पास था 41.5, ये पूरी को सॉल्व करके आपके पास क्या निकला, 2.131। ऐसा आपके पास नहीं है, ऐसा हम कंप्यूट कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये देखें अब आपके पास इसकी वैल्यू जो है ऊपर गिवन है कितनी है, 135। एन कितना, 16 माइनस 1 अंडर रूट एज इट इज़। 135 16 माइनस 1 करें तो 15, दोनों को डिवाइड करके अंडर रूट ले लेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 3, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 पुट करना है अंडर रूट 16। सिंपल इसको कैलकुलेटर से आप पहले सॉल्व करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 16, ठीक है। 0.75 है, उसको मल्टीप्लाई कर दें 2131 के साथ, 2.131 आपके पास वैल्यू आ गई जी 1.59 प्लस माइनस 41.5। अब एक दफ़ा आपने इस वैल्यू को क्या करना है, प्लस, और एक दफ़ा आपने इस वैल्यू को कर देना है माइनस। तो अगर मैं माइनस करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 39.9 और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी 43.1। और ये दोनों वैल्यूज उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई थी, हमारी भी यही आई हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट आपसे कहा जा रहा है 99 कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपके पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने लेनी है, जबकि आपके पास वेरियंस स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 2.5। सैंपल साइज आपके पास एन जो है वो कितना है, 7। और आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं 9, 6, 10, 14, 8, 13 एंड 14, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जी आपने दो इंटरवल्स जो हैं वो फाइंड करने हैं, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। इसके लिए आपने करना क्या, सिंपली आपने सबसे पहले आपको मीन रिक्वायर्ड है। अगर आपको सेकंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए जिसमें आपको चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17, आपको पता है कि 2021 में बच्चों जो आपके एग्जाम्स होने हैं ना उसमें चैप्टर नंबर 17 आपकी स्टैट्स की बुक में इंक्लूड ही नहीं है। अगर मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैप्टर नंबर 10 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिलेंगी, एग्जांपल्स मिलेंगी, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की आपको कंप्लीट वीडियोज मिलेंगी। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 के। इसके अलावा आपको डेफिनेशंस मिलेंगी, एक एक डेफिनेशन डिटेल के साथ समझाई जाएगी।
इसके अलावा एग्जाम्पल्स की वीडियो आपको मिलेगी, इसके बाद 10.1 की आपको एक्सरसाइजेस सोल्व मिलेंगी, 10.1 सोल्व मिलेगी, 10.2 है, 10.3 है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आपको डेफिनेशंस की फॉर्म में मिलेंगे। चैप्टर नंबर 11 में बच्चों आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे, चैप्टर नंबर 11 के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, डेफिनेशंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, 11.1 सोल्व मिलेगी, 11.2 भी सोल्व मिलेगी, 11.3 है, 4 है, 5 है, एंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 आपको बच्चों सारा कुछ मिलेगा, टिप्स एंड ट्रिक हैं, एमसीक्यूज़ हैं, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स है, 12.1 से लेकर 12.6 तक आपको सारा कुछ सोल्व मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा आपको चैप्टर 13 है, चैप्टर 14 है, 15 है, 16 में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स, 16 वाला चैप्टर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में, हर एक चैप्टर जो आपको मिलेगा वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेगा, एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे, इसके अलावा आपको एग्जाम्पल्स की वीडियोज मिलेंगी, इसके अलावा आपको 16.1 सोल्व वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिलेंगे, इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं कि ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस करके जाने हैं। अगर बच्चों आपको चैप्टर नंबर 10 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, नो एकेडमी नो स्टैट्स ट्यूटर प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन स्टैट्स सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स इन ओनली 999 रुपीज। जी हाँ, 999 रुपीज में सेकेंड ईयर स्टैट्स कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपको मिलेगा। अभी इसी नंबर 03234516277 पर जैस कैश या इजी पैसा करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें, जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे। इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह।